अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग। जोसेफ एंड्रयूज जो है ये एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट का नाम है और हेनरी फील्डिंग है ये राइटर का नाम है और इसने 1742 में ये नॉवल लिखा था। लेट्स सी के ये नॉवल क्या है। इस नॉवल को कहा जाता है कि ये कॉमिक एपिक पोएम है इन द प्रोज। ठीक है, अब ये कॉमिक एपिक पोएम क्यों है, इसमें क्या ऐसा कॉमेडी है, क्या ऐसा उसने क्या कोई मिमिक्री की थी, क्या किया था, क्योंकि इसको कॉमेडी कहा जाता है। लेट्स सी के व्हाट इज दिस। सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवल पैमेला इज बेसिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेस्टिटी एज अ वे टू सिक्योर अ प्रॉस्पेरस मैरिज। ये जो नॉवल इसने जोसेफ एंड्रयूज लिखा हेनरी फील्डिंग ने, उसने ये एक नॉवल था जो कि पैमेला लिखा सैमुअल रिचर्डसन्स ने, और ये नॉवल लिखा गया अबाउट द चेस्टिटी। ठीक है, कि आप एक औरत अपनी अस्मत की हिफाजत, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत, अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करती है एज अ वे टू सिक्योर अ प्रॉस्पेरस मैरिज, और वो फैमिली उसकी एक अच्छे खानदान में उसकी चेस्टिटी की वजह से शादी होती है। इन द नॉवल पैमेला मैरिज मिस्टर बी डिस्पाइज द सफरिंग्स ही कॉस्ट। ठीक है, पैमेला जो है मिस्टर बी से शादी करती है, इसके बावजूद कि मिस्टर बी उस पे जो है बहुत ज्यादा उसको तंग करता है, बहुत ज्यादा उसकी वजह से वो सफर करती है, तो फाइनली उसकी जो है शादी होती है मिस्टर बी से। प्रिजर्वेशन ऑफ चैस्टिटी इज सीन एज अ वे टू अचीव अपवर्ड मोबिलिटी, इन अदर वर्ड्स टू ऑब्टेन अ हायर सोशल स्टेटस और सिचुएशन व्हिच इज नॉट वेरी वर्चुअस। और ये प्रिजर्वेशन है चैस्टिटी की जो कि दिखाया गया टू अचीव अपवर्ड मोबिलिटी, या तो मतलब यहाँ पे चैस्टिटी को दिखाया गया कि शायद आप एक अपवर्ड मोबिलिटी अचीव कर लेते हैं, या फिर इस चैस्टिटी को अगर आप बरकरार रखते हैं तो आप शायद हायर सोशल स्टेटस के मालिक हो जाते हैं। आ सिचुएशन विच इज नॉट वेरी वर्चुअस, जो कि अकॉर्डिंग टू फील्डिंग शायद ये कोई इतनी वर्चुअस सिचुएशन नहीं है। In 1742, Fielding published a parody of Pamela. अब Fielding ने 1742 में इसी Pamela, जो Richardson ने एक novel लिखा था about the chastity of women, उसने उसकी parody कर दी। ठीक है, उसने parody कर दी, mimicry करी, उसकी नकल में एक और novel लिख दिया in which he mocked Pamela's excessive focus on chastity. Through his protagonist Joseph Andrews, the supposed brother of Pamela, जिसके अंदर उसने मॉक किया, उसने मजाक उड़ाया, ये जो पैमेला की एक्सेसिव फोकस है ऑन चैस्टिटी। एक्चुअली पैमेला एक ऐसा नॉवल है जिसमें दिखाया जाता है कि एक औरत की जो असमत है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है, उसकी चैस्टिटी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। उसको कई मर्द जो है वो सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी चैस्टिटी को प्रिजर्व रखती है एंड फाइनली उसकी एक बहुत अच्छे घराने में शादी हो जाती है। जोसेफ एंड्रयूज जो है, अब जो नॉवल लिखा हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज, अब ये उसने दिखाया कि ये हीरो है और पैमेला का भाई है, द सपोज ब्रदर ऑफ पैमेला। और अब क्या हुआ कि जहां पे पैरिडी की गई पैमेला की, तो उसमें पैमेला का मैंने आपको बताया कि पैमेला को बहुत से मर्द जो है वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी चैस्टिटी को प्रिजर्व रखती है। जोसेफ एंड्रयूज में जोसेफ एंड्रयूज को बहुत सी औरतें जो हैं वो वीमेन जो हैं वो सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं करती हैं, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज अपनी चैस्टिटी को मेंटेन कर लेता है, प्रिजर्व रखता है। Parody in literature is an imitation of the style and manner of particular writer. Parody is typically parody. आपको पता है कि जितने भी comedy plays होते हैं उसके अंदर mimicry की जाती है, उसको parody कहा जाता है। Parody is typically
या इमिटेशन जिसे कहना चाहिए, नकल उतारना किसी की. पैरोडी इज टिपिकली नेगेटिव इन इंटेंट. इट कॉल्स अटेंशन टू आवर राइटर परसीव्ड वीकनेसेस एंड सीक्स टू रिड्यूस देम. पैरोडी जो है देखा जाए तो ये नेगेटिव है इन इंटेंट. अगर इसको इंटेंशनली तौर पे देखा जाए तो बेटा ये नेगेटिव होता है. किसी की भी पैरोडी की जाए, अगर हमारी कोई नकल उतारेगा हमें तो बुरा लगेगा ना. तो इट कॉल्स अटेंशन टू आवर राइटर्स परसीव्ड वीकनेसेस. तो ये कॉल करती है अटेंशन जो राइटर की परसीव्ड वीकनेसेस हैं और सीक्स टू रिडिक्यूल देम. रिचर्ड सर ने जो पैमेला को इतना सीरियस नॉवल बना दिया, तो जोसेफ एंड्रयूज में हेनरी फील्डिंग ने उन सारी राइटर की जो परसीव्ड वीकनेस है उसको उसने रिडिक्यूल किया था. For example, Geoffrey Chaucer parody of the chivalric romance in the Canterbury Tales. Just as Pamela was published by Mr. B, Joseph is seduced by, sorry, just as Pamela was pursued by Mr. B, Joseph is seduced by Lady Booby, Mr. B's recently widowed aunt, which leads him to run away to save his chastity. अब क्या होता है कि पैमेला के अंदर मिस्टर बी जो है वो सिड्यूस करने की कोशिश करता है पैमेला को, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज जो कि कॉमेडी था, पैरोडी था, पैरोडी नॉवल था, उसमें जो है लेडी बूबी जो मिस्टर बी की रिसेंटली विडोड आंट होती है वो सिड्यूस करने की कोशिश करती है जोसेफ को, और जोसेफ जो है अपनी चेस्टिटी को सेव करने के लिए वहां से भाग जाता है. इन हिज प्रीफेस टू नॉवल फील्डिंग रेफर्स टू हिज वर्क एज अ कॉमिक एपिक पोएम इन द प्रोज. और इसी प्रीफेस में नॉवल के फील्डिंग ने कहा टू हिज वर्क एज अ, उसने अपने इस नॉवल को कहा कि कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. इस नॉवल को कॉमिक एपिक पोएम कहा जाता है प्रोज में. शॉर्ट क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट जरा इस लाइन को जो है ना अपने नोट्स में लिख लें. ठीक है, नंबर एक, ये कौन से नॉवल के जवाब में लिखा गया और वो नॉवल किसने लिखा गया. तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये पैमेला जो कि पैमेला द नॉवल विच इज रिटन बाय रिचर्डसन, उसकी कॉमेडी की थी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज ने, और इसको क्या कहा जाता है, कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. क्या आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ तैयार हो रहे हैं? ये स्लाइड पढ़ाने का, आपको स्लाइड्स पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं. अब क्या है कि ये एक कॉमिक रोमांस भी है. ठीक है, अभी तक आपके सिलेबस में कोई कॉमिक रोमांस नहीं आया, बट दिस वन इज. नाउ अ कॉमिक रोमांस इज अ कॉमिक एपिक पोएम इज प्रो. अब ये है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो पोएम है ही नहीं, ठीक है ये तो नॉवल है. अब इसको क्या कहते हैं, कॉमिक रोमांस जो होगा ना उसको कहा जाता है कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. ठीक है, आज आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है. एडवांस लर्नर जो आपको ऐप डाउनलोड करवाई है उसमें से देखें और कॉमिक रोमांस अपने रजिस्टर्स पे लिखें, और साथ ही कॉमिक एपिक पोएम इज प्रोज इन प्रोज, इस इन दोनों को लिखें और देखें कि इसकी डेफिनेशन में थीसॉरस में क्या आता है, और वो आपने अपने सेपरेट नोट्स बनाने. डिफरिंग फ्रॉम कॉमेडी एज द सीरियस एपिक फ्रॉम ट्रेजेडी, और ये डिफर है कॉमेडी से जैसे सीरियस एपिक फ्रॉम ट्रेजेडी से है. इट्स एक्शन बीइंग मोर एक्सटेंडेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. जो कॉमिक रोमांस होता है उसी को हम कॉमिक एपिक पोएम कहते हैं प्रोज में. इसके जो एक्शन होते हैं वो ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, ज्यादा एग्जैजरेटिव होते हैं, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होते हैं. कंटेनिंग अ मच लार्जर सर्कल ऑफ इंसिडेंट्स, उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं. ठीक है, कॉमिक एपिक पोएम, तो एपिक पोएम हम किसे कहते हैं, लॉन्ग पोएम ना. ठीक है, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, और बहुत सारे कैरेक्टर्स. अब जोसेफ फील्डिंग के अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. इट डिफर्स फ्रॉम द सीरियस रोमांस इन इट्स फेबल एंड एक्शन. अब जो है आपको सीरियस रोमांस मिलेगा किसके अंदर, इसके फेबल और एक्शन. फेबल कहते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें कोई हिकमत होती है, छोटी सी कहानी होती है, जैसे वो आपने वो देखा होगा कि वो कौवे की कहानी, या वो द ग्रेप्स आर सोर, दैट इज अ फेबल. इन दिस दैट एज इन द वन, ये फेबल को भी बेटा लिखिएगा अपने रजिस्टर्स में लिखें, और इसकी आज आपने डेफिनेशन लिखनी है. दैट एज इन द वन दीज आर ग्रेव एंड सॉलम, सो इन द अदर वे दे आर लाइट एंड रिडिकुलस.
It differs in its characters by introducing persons of inferior rank and consequently of inferior manners. Whereas the grave romance sets the highest before us. Lastly, in its sentiments and diction, by preserving the ludicrous instant of the sublime in the diction, I think burlesque itself may be sometimes admitted, of which may instances will occur in this work, as in description of the battles and some other places, not necessary to be pointed out to the classical reader, for those entertainment, those parodies or burlesque imitations are chiefly calculated from Fielding preface to Joseph Andrews. Joseph Andrews has the lens, ठीक है, क्योंकि epic poem हमने कहा इसको, तो फिर और कहाँ epic poem in the prose, तो उसकी जाहिरी बात है length तो होगी क्योंकि epic है, and comprehensiveness of an epic, और उसके अंदर एक comprehensiveness है epic की तरह की, but does not have the seriousness of an epic due to its comic tone. लेकिन उसके अंदर epic वाली seriousness नहीं है, क्यों? Due to its comic tone. Fielding novel was inspired by Cervantes' Don Quixote, a comic satire of chivalric romances. Don Quixote goes to an inn which he thinks a castle, meets prostitutes whom he thinks high-born ladies, addresses them an innkeeper who is a thief in language so literary that they cannot understand it. फील्डिंग का जो नॉवल है वो इंस्पायर किससे उसने इंस्पायर होके लिखा, ये जो फील्डिंग नॉवल है वो उसने केवेंटस डॉन क्विक्सोटे जो है उससे इंस्पायर होके लिखा, जो कि एक कॉमिक सटायर थी ऑफ शिवालरिक रोमांसेस. शिवालरिक कहते हैं बहादुरी के जो रोमांसेस, उसके अंदर वो दिखाता है कि जो उसका प्रोटेगनिस्ट होता है डॉन क्विक्सोटे, वो एक इन में एक सराय में जाता है जहाँ पे जिसको वो समझता है कि शायद ये कोई कैसल है, उसको वो होटल जो है, वो सराय जो है वो कोई कैसल लगता है, कोई महल लगता है. वहां पे वो प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और वो सोचता है कि शायद ये कोई हाई बॉर्न लेडीज है, और वो उनसे बातें भी करता है. और इनकीपर जो कि असल में एक थीफ होता है इन लैंग्वेज सो लिटरेरी, वो अपनी लैंग्वेज में इतना लिटरेरी होता है कि दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. Fielding imitation of Don Quixote can be seen in his protagonist's adventurous adventures on the road. Joseph Andrews is often called a novel of adventure, picaresque novel. ठीक है, इसको भी बेटा लिख लें इस पॉइंट को अपने रजिस्टर्स में, कि Joseph Andrews is often called a novel of adventure, जिसको picaresque novel भी कहा जाता है. The picaresque novel narrated the adventures of Picaro. ठीक है, अब पिकारिस्क नॉवल क्यों कहा जाता है, उसके अंदर नरेट किए जाते हैं एडवेंचर्स ऑफ पिकारो, अ वेगाबॉन्ड हु जर्नीड फॉर सम टाइम बिफोर ही वाज रिवॉर्डेड विद हैप्पीनेस. जो कि इतना एक ऐसा वेगाबॉन्ड था, एक ऐसा शख्स था जिसने इतना ज्यादा जर्नी किया और फाइनली सम टाइम बिफोर ही वाज रिवॉर्डेड विद हैप्पीनेस, उसको बाद में मतलब जब उसको एंड हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई, उससे पहले जो है जिसकी वजह से उसने इतना जर्नी किया और फाइनली उसको हैप्पीनेस रिवॉर्ड की गई. पैरोडी एंड सटायर देख लेते हैं इसके अंदर क्या है. व्हाइल बोथ आर कंसीडर्ड स्टाइल ऑफ ह्यूमर, देयर पर्पस मे बी वेरी डिफरेंट. सटायर इन्वॉल्व्स मॉकरी, यूजुअली विदाउट मिमिक्री. ठीक है, सटायर के अंदर मॉकरी तो होती है, मजाक तो उड़ाया जाता है, लेकिन इमिटेशन नहीं होती, कॉपिंग नहीं होती, मिमिक्री नहीं होती, नकल नहीं उतारी जाती. इट एक्सप्लोर्स फीलिंग्स ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन. अब अक्सर एक क्वेश्चन आता है, जोसेफ एंड्रयूज पैरोडी है या सटायर, ये अब आपने बताना है. ठीक है, अब वो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पैरोडी और सटायर की डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई सटायर तो इस तरह का दोनों ही स्टाइल्स ऑफ ह्यूमर है, लेकिन एक के अंदर मोकरी होती है, सटायर में मोकरी होती है लेकिन उसके अंदर मिमिक्री नहीं होती, लेकिन पैरोडी के अंदर मोकरी एंड मिमिक्री दोनों होते हैं. ठीक है, कॉपिंग होती है, उसके अंदर इमिटेशन होती है, उसके अंदर नकल उतारी जाती है. इट एक्सप्लोर फीलिंग्स ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन एट द स्टेटस क्यो, यूजिंग ह्यूमर एज अ टूल टू मेक द सब्जेक्ट अपीलिंग टू रीडर्स.
जबकि पैरिडी में क्या होता है, पैरिडी मे और मे नॉट हैव अ डिजायर फॉर सोशल चेंज। पैरिडी के अंदर जो है मतलब कोई शायद हो सकता है या नहीं हो सकता, एक डिजायर देखी जाती है फॉर सोशल चेंज, ठीक है या नहीं है, दोनों केसेस में चल जाता है पैरिडी। पैरिडी तो बेटा पैरिडी होती है ना, मतलब किसी भी चीज की अगर आप पैरिडी करें तो वो पैरिडी ही होगी। जैसे हमने देखा कि वो एपिक पोएम थी हमारी पैराडाइज लॉस्ट, और मोक एपिक कौन सी थी जो है रेप ऑफ द लॉ, ठीक है, तो वो इट वॉज अ पैरिडी एंड कैन बी यूज फॉर प्योर एंटरटेनमेंट, और उसको सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है थ्रू एक्सट्रीम पोर्ट्रेयल ऑफ एस्टैब्लिश आइडियाज और कैरेक्टर, और एक्सट्रीम पोर्ट्रेयल किए जाते हैं एस्टैब्लिश आइडियाज और कैरेक्टर के। नेक्स्ट भी चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कि ये एपिक कैसे और इतनी लंबी कहानी कैसे। द नॉवल कंसिस्ट ऑफ फोर बुक्स, चार किताबों पे ये नॉवल लिखा गया। इससे पहले आपने जितने नॉवल्स पढ़े वो वन बुक पे कंसिस्ट करते थे। बुक वन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट डिवोटेड टू जोसेफ इन लंडन, ठीक है, पहली किताब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिवाइड हुई है, और पहली फर्स्ट जो है वो जोसेफ एंड्रयूज इन लंडन, सेकेंड जो है वो क्या बताती है, एस्केप फ्रॉम द टाउन, जब वो लंदन से भाग जाता है, द रॉबरी, वहां पे उसको रास्ते में कुछ डाकू होते हैं वो लूट लेते हैं, यहाँ तक के उसके कपड़े भी चोरी कर लेते हैं, एंड द एडवेंचर्स एट द ड्रैगन इन, और जो एडवेंचर हुई ड्रैगन इन में वो। बुक वन अलोंग साइड जोसेफ इंट्रोड्यूस, जोसेफ एंड्रयूज इंट्रोड्यूसेस सम मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। बुक वन में ही जोसेफ एंड्रयूज जो है के साथ साथ कुछ और मेजर कैरेक्टर्स ऑफ नॉवल जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें पार्सन एडम्स होता है। एडम्स जो है वो जोसेफ एंड्रयूज का बहुत अच्छा दोस्त होता है। लेडी बूबी होती है जो जोसेफ एंड्रयूज की मालिकन होती है और जो इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिसेस स्लिप्स लॉब, ये लेडी बूबी की ही सर्वेंट होती है और ये भी जोसेफ एंड्रयूज में इंटरेस्टेड होती है। फाइनली फैनी, फैनी जो है वो एक अच्छी लड़की होती है, हीरोइन है नॉवल की, और फाइनली जोसेफ एंड्रयूज में मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। द बुक बिगिंस एंड एंड विद द सब्जेक्ट ऑफ चैस्टिटी, किताब शुरू होती है सब्जेक्ट ऑफ चैस्टिटी के साथ और एंड भी सब्जेक्ट ऑफ चैस्टिटी के साथ ही होती है। जोसेफ आर हैंडसम स्ट्रॉन्ग यंग मैन, वर्क्स फॉर सर थॉमस बूबी। Following the death of Sir Thomas Booby, his wife Lady Booby make advances to Joseph, who refuses to, make advances to Joseph, who refuses to respond to Lady Booby's interest in him, since he wishes to follow Pamela's chaste example and the teaching of Parson Adams, who is Joseph's moral guide. होता क्या है book one में कि जोसेफ जो कि एक हैंडसम यंग मैन होता है वो सर थॉमस बूबी के घर में काम करता है। सर थॉमस बूबी की डेथ के बाद जो है मिसेस बूबी जो होती है, लेडी बूबी जिसे कहा जाता है, वो जो है क्योंकि वो जोसेफ में इंटरेस्टेड होती है, वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसको और हु रिफ्यूसेस टू रिस्पॉन्ड टू लेडीज बूबी इंटरेस्ट इन हिम, और फाइनली जो है जो जोसेफ एंड्रयूज होता है वो रिफ्यूज कर देता है उसके तमाम इंटरेस्ट को, क्योंकि वो विश करता है कि वो फॉलो करे पैमेला की चैस्टिटी को, और उसके लिए पैमेला जो है जो उसकी अपनी बहन होती है उसकी चैस्टिटी यानी कि वो एक एग्जांपल होती है उसके लिए बहुत बड़ी, तो वो जो है वो चैस्टिटी को मेंटेन रखना चाहता है, और टीचिंग ऑफ पार्सन एडम्स। एडम्स जो है वो जोसेफ का बहुत करीबी दोस्त होता है, पार्सन होता है, वो इसको हर वक्त मोरल गाइड देता है, उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता है, और वही उसको बताता है कि तुमने चैस्टिटी को कैसे मेंटेन करना है। और एडम्स जो है वो जोसेफ को जो है शुरू से ही वो कहता है कि तुम शादी नहीं करोगे। नेक्स्ट, नॉट रिटर्निंग लेडी बूबीज एडवांसेस, जोसेफ इज डिसमिस्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अब जब वो
लेडी बूबी को इनकार कर देता है तो लेडी बूबी उसको नौकरी से निकाल देती है। जोसेफ जो है वो इंटरेस्टेड होता है फैनी में। जोसेफ देन ट्रेवल फ्रॉम लंडन थ्रू द कंट्री साइड टू सी फैनी। ठीक है, जोसेफ जो है ट्रेवल करता है लंडन थ्रू द कंट्री साइड के वो फैनी को से मिलने के लिए। ऑन हिज वे ही मीट्स पार्सन एडम हु एकम्पनीज हिम ड्यूरिंग द जर्नी। रास्ते में जो है वो एडम से मिलता है जो कि उसको जो है ले जाता है मतलब लंदन की तरफ। After many adventures, Joseph is reunited with Fanny, but Parson Adam asks them to publicly announce their intention. Joseph जो है फिर finally Fanny से मिलता है, लेकिन Parson Adam जो होता है वो publicly announce करता है, वो कहता है कि भाई तुम announce करो अपनी intentions को एक दूसरे के लिए। Adam, Joseph and Fanny go to Adam's parish. ठीक है, Adam, Joseph और Fanny जो है वो Adam की parish में जाते हैं। Lady Booby tries to stop Joseph from marrying Fanny. अब होता क्या है, पीछे पिछली स्लाइड में मैं दोबारा चलूंगी। होता क्या है, जब लेडी बूबी जो है जोसेफ को एम्प्लॉयमेंट से निकाल देती है, जोसेफ जो है वो फैनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। फैनी जो है उसका जो दादा होता है वो एक अमीर जो है इन का मालिक होता है। जोसेफ उससे उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। पार्सन एडम जो है उसको वो यही कहता है कि तुम पहले कुछ कमाओ और फिर तुम उससे शादी करना, यानी कि अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाओ फिर तुम फैनी से शादी करना। जोसेफ एंड्रयूज जो है वो लंदन से चला जाता है। रास्ते में उसको रॉबर्ट्स मिलते हैं, रॉबर्ट्स उस पर अटैक कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी ले जाते हैं। रास्ते में एक कुछ ट्रेवलर्स जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि जोसेफ बहुत बुरे हाल में पड़ा हुआ है, वो उसको जो है कपड़े भी देते हैं और उसको फाइनली वो अपने साथ एक इन में ले आते हैं। उस इन में जो है कहीं पहुंच जाता है मिस्टर एडम, पार्सन एडम जो है वो वहां पे पहुंच जाता है जो लंदन से जा रहा होता है, और उस इन में कहीं ठहरा होता है। जब जोसेफ एडम्स को देखता है और उसको पहचान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से, तो जोसेफ बहुत ज्यादा खुश होता है। एडम बेसिकली जा रहा होता है, लंदन से निकल रहा होता है, रास्ते में इन में ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अपना आर्टिकल पब्लिश करना होता है अबाउट द क्रिश्चियनिटी। वहां पहुंच के उसको पता चलता है कि भाई मैं तो अपना सारा कुछ मतलब जो मैंने पब्लिश करवाना था, अपने सर्मन्स जो मैंने पब्लिश करवाने थे इन द फॉर्म ऑफ बुक, वो तो भाई मैं लंदन में भूल आया हूँ। फाइनली दे प्लान टू गो बैक टू लंदन, और इस तरीके से जोसेफ एंड्रयूज जो है लंदन में फैनी से दोबारा से मिलता है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे देखें, एडम, जोसेफ एंड फैनी गो टू एडम्स पैरिश। अब ये तीनों जब फैनी वहां पे मिलते हैं, ये दे रीयूनाइट, दोबारा से मिलते हैं फैनी और एडम, सॉरी फैनी और जोसेफ, जो कि बिछड़ चुके थे जोसेफ के लंदन से जाने के फौरन बाद। अब ये कहीं मिलते हैं, कहाँ पे? एडम्स पैरिश पे, क्योंकि फैनी भी कहीं रास्ते में होती है और वो जोसेफ को ढूंढते हुए निकल जाती है। लेडी बूबी ट्राइज टू स्टॉप जोसेफ फ्रॉम मैरिंग फैनी। अब जब ये आपस में रीयूनाइट होते हैं तो लेडी बूबी जो है वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह जोसेफ की और फैनी की आपस में शादी ना हो। मीन वाइल पैमेला बाय रिमेनिंग चैस्ट हैज कॉज्ड हर एम्प्लॉयर द नेफ्यू ऑफ लेडी बूबी मिस्टर बी टू मैरी हर। उसी वक्त जो है पैमेला जो कि हमेशा से वो उसने अपनी चैस्टिटी को बरकरार रखा, उसने कॉज किया अपने एम्प्लॉयर को, मतलब उसका एम्प्लॉयर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ जो कि नेफ्यू था लेडी बूबी का मिस्टर बी, कि वो उससे शादी कर ले, यानी कि वो उससे इतनी उसकी चैस्टिटी से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि वो उसने उससे शादी कर ली। पैमेला ऑब्जेक्ट्स टू जोसेफ मैरिंग फैनी, लेकिन पैमेला जो है वो जो है इसके खिलाफ है कि जोसेफ की शादी हो फैनी के साथ। अ सर्वेंट गर्ल ऑफ अननोन पेरेंटेज, जो कि एक सर्वेंट गर्ल है एक अननोन पेरेंटेज की। फैनी जो है एक गरीब लड़की होती है जिसकी पेरेंटेज का कोई पता नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज अराइव। फाइनली मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। इट इज डिस्कवर्ड दैट फैनी इज देयर डॉटर, और ये पता चलता है कि फैनी उनकी डॉटर है।
अब क्या होता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि उस पैमेला जो है वो नहीं जा रही एक्चुअली, पैमेला को मिसेस बूबी, लेडी बूबी ही कहती है कि देखो ये तुम्हारा भाई जो है एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसके पेरेंट्स का कोई पता नहीं है। पिछली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दी थी कि मैंने ये कहा था कि शायद ये लड़की किसी इनकीपर की बेटी है जो है पोती थी, ऐसा नहीं था, ये गरीब लड़की थी, एक सर्वेंट गर्ल थी जिसके पेरेंट्स का कोई पता नहीं था। अब मीनवाइल एट दैट टाइम जबकि जोसेफ की बहन जो है पैमेला ऑब्जेक्ट करती है कि भाई मेरा भाई जो है वो किसी ऐसी सर्वेंट गर्ल से शादी नहीं करेगा जिसके पेरेंट्स का ही पता नहीं है, तो उसी वक्त मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज आते हैं और ये पता चलता है कि फैनी उनकी बेटी है। व्हेन शी वाज अ बेबी शी वाज स्टोलन बाय जिप्सीज हु लेफ्ट अ बेबी बॉय इन हर प्लेस। जब वो पैदा हुई व्हेन छोटी थी तो वो जिप्सीज ने उसको स्टील कर लिया था और उसकी जगह एक बेबी बॉय उसकी जगह पे रख गए थे। जोसेफ इज फाउंड टू बी द सन ऑफ मिस्टर विल्सन। फाइनली पता चलता है कि जोसेफ जो है वो सन है मिस्टर विल्सन का, a rich gentleman from who he was stolen. और मिस्टर विल्सन के घर से ये बच्चा चोरी हुआ था। At the end of the novel, the two lovers overcome objections to their marriage. और finally, दोनों lovers जो है overcome कर जाते हैं objections of their marriage. यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। Now let's see के इस कहानी के अंदर क्या चीज है जो कि हमें बताई जा रही है। What the female readers are taught by the memoirs of Mrs. Andrews is so well set forth in excellent essays or letters prefixed to the second and subsequent edition of that work. That would it would be here a needless repetition. The authentic history with which I now present the public is an instance of great good that book is likely to do. And a prevalence of example which I have just observed, since it will appear that it was by keeping the excellent pattern of his sister's virtues before his eyes that Mr. Joseph Andrews was chiefly enabled to preserve his purity in the midst of such great temptation. I shall only add this character of male chastity, though doubtless as desirable and becoming in one part of the human species as in the other, is almost the only virtue which great apologists have not given himself for the sake of giving example of his return. Next slide भी चलते हैं। ये बेटा सारे इसके बारे में critical comment हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सारे जो है, अब finally क्या होता है कि Joseph Andrews जो है वो reveal करता है wickedness of human being. Fielding's offer realistic portrayals of habits and customs of life. Finally, इस novel के अंदर हम क्या देखते हैं? Joseph Andrews जो है ये novel reveal करता है wickedness of human beings, और Fielding जो है offer करता है realistic portrayal of habits and customs of the time. As opposed to honesty and chastity of Joseph, Mr. Slipslop is a vehement of affectation. ठीक है, मिसेस स्लिपस्लॉप जो है वो, अगर जोसेफ जो है वो ऑनेस्टी और चास्टिटी को अपोज करता था तो यानी कि शो करता था, मिसेस स्लिपस्लॉप जो है वो अफेक्टेशन को, दिखावे को शो करती थी। शी प्रिटेंड्स टू बी अ लर्नड वीमैन बट शी इज नॉट, अ सिचुएशन विच गिव्स राइट टू कॉमेडी। She does not know the true meaning of the words. She wants to present herself as a sophisticated woman. She uses wrong words and misspells words. She says dilemma, but what she means is dilemma. ठीक है, dilemma को वो dilemma कहती थी. She says I'm almost convicted, but what she actually means is that she is almost convicted. ठीक है, वो क्या कहती थी? I am almost convicted. लेकिन वो क्या, उसका मतलब क्या होता था? She is almost convinced. वो मीरा वाली इंग्लिश बोलती थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्लाइड एंड हो गई।